Students, assalamu alaikum. I am Ms. Amreen Bukhari, your teacher of Urdu and Islamiyat. Today is the second lecture of Urdu Alif and the topic was Malkai Kohsar Mari. Jaisa ki naam se hi zahir hai ke ye unwan jo hai Mari ke purfiza maqamat se related hai. Mari jo Pakistan ka ek pahadi alaka hai aur garmiyon ke mausam mein पाकिस्तानियों के लिए किसी रहमत से कम नहीं. कल हमने इसका पेज 16 पे इसका जो पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वो हमने रीड किया था. आज हम इसी पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे. तो चले स्टूडेंट्स शुरू करते हैं. पहले चार सवालात आप आज देखेंगे. नंबर एक पे है मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है. पहला पैराग्राफ देखें आप. दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है. दिसंबर से मार्च तक. रावलपिंडी से मरी कितनी मुसाफत पर वाकया है. क्वेश्चन नंबर टू जो है वो मरी की मुसाफत से मुतल्लिक है कि रावलपिंडी के शुमाल मशिक में गाड़ी की तकरीबन एक डेढ़ घंटे की मुसाफत पर मरी वाक़या है. सवाल नंबर तीन आप देखें. पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग कब मरी का रुख करते हैं. पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग कब मरी का रुख करते हैं. तो सेकंड जो पेज पे पेज नंबर 17 पे जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसकी बिल्कुल पहली लाइन पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं. गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं. मरी समंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाकया है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मरी समंदर की सतह से इस सेहत अफजा मुकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फिट है. तकरीबन 7,500 फिट है. एक्सरसाइज में ये पहले चार सवाल कल के पैराग्राफ से रिलेटेड है. पहले चार सवाल कल के पैराग्राफ से रिलेटेड है. आज हम यहाँ पे आज की डेट लगाएंगे और ये चार सवाल ही आप प्रैक्टिस के तौर पर अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे.